हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीरा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप 4-6 महीने हरी धनिया और हरा मिर्चा कैसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हरा मिर्चा है हमें ये वाला भाग ऊपर से तोड़ लेना है, इसका ये डंठल निकाल देना है। इसी तरह से हमें पूरा मिर्चा साफ कर लेना है। उसके बाद जब हम मिर्चा साफ कर लेंगे तो उसके बाद हम हरी धनिया काटेंगे। यहाँ पर मैं एक बंडल हरी धनिया ले ली हूँ। तो हम सबसे पहले मिर्चा साफ कर लेते हैं। इसी तरह से आपको भी ऐसे ही कर लेना है। जब भी हमारे पास ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं तो ख़राब हो जाती हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, सारी सब्जियाँ हमें स्टोर कर लेना चाहिए। मैं जब अपना स्टोर करके रखती हूँ तो मेरा जब नहीं होता, मेरे पास फ्रेश वाली नहीं होती हैं, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह से जो है हमें साफ कर लेना चाहिए। इसी तरह से हम पूरा तोड़ लेंगे, साफ कर लेंगे। इसी तरह से आप कोई भी सब्जी जो है स्टोर कर सकते हैं। कड़ी पत्ता वगैरह जैसे बहुत ज्यादा होता है तो जल्दी खराब हो जाता है, तो आप वो भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैं अभी आप जो मैं खुद स्टोर की हूँ, मैं अभी खुद आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से रखती हूँ। तो जब मेरे पास फ्रेश वाला नहीं होता है तब मैं वही यूज करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही सेम करिए। एक बात का ध्यान रहे, लेकिन ये सब सारी सब्जियां वही स्टोर कर सकते हैं जिनको अपनी फ्रिज बंद नहीं करनी है। अगर आप ये सारा सामान फ्रीजर में रख दिए तो आपको फ्रिज बंद नहीं करनी है कभी भी, क्योंकि अगर फ्रिज आप जरा से भी अगर थोड़ी देर के लिए भी बंद कर देंगे तो पूरा खराब हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर इसको फ्रीजर में रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपनी फ्रिज जो है चला के रखना है। हरा मिर्चा हम पूरा साफ कर लिए, इसी तरह से आपको भी कर लेना है। अब हम जो है हरी धनिया भी काट लेंगे। मेरा तो कम से कम 6-8 महीने चल जाता है हरी धनिया और हरा मिर्चा जो मैं फ्रीजर में रखती हूँ, क्योंकि हमेशा फ्रेश ही आ जाता है। लेकिन जब नहीं होता है हमारे पास फ्रेश तब वो काम दे देता है, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप इसको लंबे समय तक जो है स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। इसी तरह से पूरा धनिया हम काट लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं काटना है। हरी धनिया और मिर्च हम दोनों रेडी कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों अच्छे से हम धुलेंगे, फिर किसी छन्नी वाले बर्तन में हम इसको रखेंगे ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाए। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसको जो है किसी चीज में रख के हम फ्रीजर में डालेंगे। सबसे पहले मैं इसको धुल लेती हूँ। मैं सारा धुल के रेडी कर लिए हैं। धनिया भी हम इसी चीज में रख दिया। ऐसे आपके पास कोई भी बर्तन हो तो आप उसमें रख देना। अब हरा मिर्चा जो है ये जिप वाला बैग जो है हम इसमें डाल के रखेंगे। इसी तरह से पूरा डाल देंगे। इसको जो हम इसी तरह से निकाल देंगे इसका सारा। वो ये रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्रीजर में डाल देंगे। अब जब मैं खुद डाल के रखती हूँ मैं आपको वो दिखाऊंगी। ये हरी धनिया है ये जो मैं फ्रीजर से अभी निकाल के लाई हूँ, ये आप खुद ही देख सकते हैं पूरा एकदम सेम वैसे ही जैसे हम रखते हैं उतना ही फ्रेश उतना ही ग्रीन रहता है। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। जैसे ये मैं धनिया भी स्टोर की थी और ये कुछ कड़ी पत्ते थे मेरे पास, तो मैं इसको भी फ्रीजर में डाल दी थी। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और ये जो मैं पहले से हरा मिर्चा स्टोर करके रखी हूँ, ये देखिए ये आज वाला है और ये पहले वाला है। कम से कम इस मिर्चे को 6 महीने हो गए और ये अभी भी ख़राब नहीं हुआ। इसी तरह से आप भी स्टोर करके रख सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।